नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश आप सभी का आपके YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आपके इस YouTube चैनल का नाम है मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश है। दोस्तों जल्द ही फूड इंस्पेक्टर और पटवारी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसे ही दोस्तों अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो जल्द ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जैसे ही वैकेंसी आता है या छत्तीसगढ़ से तो सबसे पहले इस वीडियो में अपलोड कर दूँगा। दोस्तों बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि एलिजेशन से संबंधित सवाल कब बना रहे हो सर, ऐसा करके, है ना। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि एलिजेशन का मतलब होता है मिश्रण। मिश्रण संबंधित सवाल पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम पढ़ेंगे चार या पांच टाइप के क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का पहला सवाल देख लेते हैं। सवाल कहता है 10 रुपया प्रति किलो की दर से 18 kg गेहूँ में 12 रुपया प्रति किलो की दर वाला कितना गेहूँ मिला जाए कि मिश्रण का मूल्य 11 रुपया 10 पैसा हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेता हूँ। 10 रुपये प्रति किलो की दर से 18 kg गेहूँ में 12 रुपये प्रति किलो की दर से कितना गेहूँ मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 11 रुपये 10 पैसा हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ 10 रुपये प्रति किलो हो गया, दूसरा में 12 रुपये प्रति किलो हो जाएगा और नीचे में क्या लिखेंगे, मिश्रण का मूल्य लिखेंगे। तो मिश्रण का मूल्य क्या है, 11 रुपया 10 पैसा, इसको लिख लिए। अब 10 रुपया और 11 रुपया 10 पैसा में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा इधर। फिर इधर से 12 रुपया में 11.10 पैसा को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9। अब पॉइंट पॉइंट को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9:11 हो जाएगा। अब 9:11 हो गया है तो क्वेश्चन में पूछा गया है कितना दर वाला कितना गेहूँ मिलाया जाए बोल रहा है, मतलब कितना गेहूँ मिलाया कि 18 kg हो जाएगा बोल रहा है। तो 9:11 को क्या लिखे, अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। इक्वल में कर देंगे कितना हो जाएगा, 18/x। तो उसको काट लेंगे, 9 से 18 को काटेंगे दो बार में जाएगा और 11 से 2 को गुणा कर देंगे तो 22 हो जाएगा। तो x बराबर 22, तो कितना गेहूँ मिलाया जाएगा, तो 22 किलो गेहूँ मिलाया जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में पानी की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक, इसमें 6 लीटर पानी मिलाने पर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्या होगा, यह पूछा गया है। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लेते हैं। 75 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में पानी की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक है। अब इसमें 6 लीटर पानी मिलाना के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 लीटर पानी मिला दो, तो चलिए मिला देंगे। इसमें क्या है, चलिए अब मान लीजिए पानी को 1 समान लेते हैं। अब पानी को 1 समान लिए हैं तो क्या बोला गया है, शराब 15 लीटर अधिक है, तो क्या हो जाएगा, शराब का x प्लस 15 हो जाएगा, 15 अधिक बोल रहा है ना। अब उसके बाद बोला गया इसमें अधिक है तो पानी की अपेक्षा बोला गया है, तो तीनों को जोड़ देंगे, x और x प्लस 15 इक्वल टू 75। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब x और x प्लस 15 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और 15 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 75 में 15 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 2x बराबर 60 हो गया, तो x बराबर 30 हो जाएगा। तो x मतलब पानी का मान निकल आया है। अब पानी का मान निकल आया तो अब क्या लिख, 15 लीटर अधिक है शराब का, तो 15 लीटर अधिक है तो इसका मान रख लेते हैं, x की जगह कितना मान रखेंगे, 30 रखेंगे, तो शराब में मान रख लेते हैं ये वाला में, तो x प्लस 15 तो x की जगह 30 रखेंगे और 15 अगर जोड़ेंगे 30 और 15 को कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा शराब का लीटर, 45 लीटर हो जाएगा। अब बोला गया है कि 6 लीटर पानी मिलाने पर क्या दिक्कत है, पानी मिला देते हैं, शराब 45 लीटर हो गया है और नीचे में पानी आ जाएगा, पानी कितना है 30, 6 लीटर मिला देते हैं तो 36 हो जाएगा। तो 45/36 हो जाएगा, तो 36 को 9 से काटेंगे, 9 × 36 और 45 को 9 से काटेंगे, 9 × 5 = 45, तो कितना आ जाएगा, 5:4। तो इसका आंसर आ जाएगा 5:4। दोस्तों आप लोग के लिए एक होमवर्क है, मैं आप लोग एक क्वेश्चन देता हूँ, यह एक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन को आप लोग बना के लाना। अगर यह क्वेश्चन नहीं बना तो इस वीडियो पर कमेंट जरूर करना, मैं आप लोग को अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 210 किलो का गेहूं था, उसने कुछ 8% लाभ पर तथा शेष 15% लाभ पर बेचा, यदि सारे गेहूं पर उसने 11% लाभ हुआ तो उसमें 8% लाभ पर कितना गेहूं बेचा, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और अच्छे से समझो। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी के पास 210 किलो का गेहूं था, है ना, यहाँ जो 20 किलो लिखा है ना वो गलती से मिस्टेक हो गया है, यहाँ 210 आएगा। उसने कुछ 8% लाभ पर तथा शेष 15% लाभ पर बेचा गया है, और यदि सारे गेहूं उसने 11% लाभ पर बेचा तो 8% लाभ पर कितना गेहूं बेचा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसको 8% लाभ हो रहा है तो 8 लिख लेते हैं, उसके बाद 15% लाभ पर बेच रहे हैं तो 15 लिख लेते हैं,
उसके बाद 11% लाभ हुआ, तो नीचे में यहाँ की मूल्य 11 लिख लेते हैं। अब 8 में 11 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार 15 में 11 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4:3 हो गया है। अब 4:3 को प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तीन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। किसके लिए बोला गया, 8% लाभ पर कितना गेहूँ बेचा गया है, तो ये 8% लाभ है, तो ये वाला देखते हैं। तो 8% लाभ पर कितना गेहूँ बेचा गया, तो यहाँ 8 के लिए 4:4 दिया गया है, तो 4/7 टोटल हो गया है। और इनटू में क्या करेंगे, जो कितना किलो गेहूँ दिया था, 210 किलो गेहूँ दिया था, उससे गुना कर देंगे, तो 4/7 × 210 हो जाएगा। तो 7 से 210 को काटेंगे तो 30 बार में जाएगा, 7 × 21 और 0 का 0 हो गया, तो 30 हो गया। और 30 को 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 8% लाभ पर कितना गेहूँ बेचेगा, वो 120 किलो गेहूँ बेचेगा, या उसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है किसी व्यापारी के पास 6 क्विंटल चावल था, तो चलिए देख लेते हैं। उस व्यापारी के पास 6 क्विंटल चावल है, 6 क्विंटल मतलब 1 क्विंटल का मतलब होता है 100, तो 6 क्विंटल कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। उसमें कुछ परसेंट 7% लाभ पर तथा शेष 17% लाभ पर बेचा, यहाँ 70 जो लिखा गया मिस्टेक हो गया है, यहाँ 17 आ जाएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। कुछ मिलाकर उसे 11% लाभ हुआ, तो उसने कितना चावल 17% लाभ पर बेचेगा, यह क्वेश्चन में बोला गया है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे समझ लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी व्यापारी के पास 6 क्विंटल चावल था, उसने कुछ 7% लाभ पर तथा 17% लाभ पर बेचा, कुल मिलाकर उसे 11% का लाभ हुआ। अब उसे कितना चावल 17% लाभ पर बेचा गया है, यह निकालना है हमें, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए 7% लाभ पर बेच लिया, उसके बाद 17% लाभ पर बेच लिया, उसके बाद उसके बीच में कितना आ जाएगा, फिर 11% लाभ में बेचा है। अब 7 में 11 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, उसी प्रकार 17 में 11 को घटाएंगे 6 आ जाएगा, तो यहाँ 6:4 हो गया है। इसको और छोटा रूप में कर लेते हैं, तो 4 को 2 से काट देते हैं और 6 को 3 से काट देते हैं, तो 3:2 हो गया है। अब उसे बोल रहा है कि कितना चावल 17% लाभ पर बेचेगा, तो क्या करेंगे, 3:2 है उसको जोड़ देंगे, तो 3:2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन किसके लिए पूछा गया है, 17% लाभ के लिए बोला गया, तो ये 17% लाभ के लिए बोला गया। 17% लाभ कितना है, 2 है, तो 2/5 × 600 कितना क्विंटल का है, 1 क्विंटल बराबर 100 किलो, तो 6 क्विंटल बराबर 600 किलो। तो यहाँ से कर लेते हैं, 5 से 600 को भाग करेंगे तो 12 बारे बजाएगा, तो 12×5=60 और 0 का यहाँ तो 120 हो जाएगा। अब 120 को 2 से गुणा करेंगे तो 240 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 240 हो जाएगा। क्वेश्चन है किसी गांव के 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% महिलाएं 15% बन जाए, एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो, तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी क्या होगी या क्या थी, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक बार अच्छे से और क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि किसी गांव में 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़ा है, महिलाएं भी 15% बढ़ी है। अब एक वर्ष में बोला गया कि कुल टोटल आबादी 5600 है, तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी क्या थी, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। और यह क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इसे आसान तरीके से मैं आप लोग को समझाता हूँ, चलिए सॉल्व करते हैं। बस ध्यान से समझते जाइए, किसी गांव में 5000 लोग हैं, ठीक है, चलिए 5000 लोग लिख लेते हैं। अब टोटल आबादी कितना है, 5600। अब 5600 में 5000 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 600 आ जाएगा टोटल। अब किसी गांव में 5000 लोगों की आबादी है, तो अब 600/5000 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लेकिन इसको प्रतिशत में निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, मूलतः महिलाओं की आबादी पूछा गया है, तो प्रतिशत में निकाल लेंगे तो 600/5000 × 100 कर देंगे, तो ये 0 0 कट गया, ये 0 0 और ये 0 कट गया, तो 6/50 × 100 करेंगे, तो 50 से 100 को काटेंगे 2 बार में जाएगा, अब 2 को 6 से गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। अब कितना परसेंट पुरुष बढ़ा गया है, 10%, महिला का कितना है 15%। अब निकाल लेते हैं, जो अभी निकाले हैं 12, उसको कहाँ लेंगे, बीच में लेंगे, यहाँ पर मध्य में। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 और 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 15 में 12 को इधर घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा। अब क्या करना है, टोटल आबादी निकालना है हमें गांव का, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। किसके लिए पूछा गया है, महिला के लिए पूछा गया है, महिला की आबादी पूछा गया है, तो महिला का आबादी कितना, यहाँ पर नीचे में 2 दिया गया है,
तो 2/5 गुणी 5000 करेंगे। 5000 क्यों करेंगे? किसी गांव में 5000 लोगों की कुल आबादी पूछा गया है, तो 5000 करेंगे। तो 2/5 गुणी 5000 करेंगे तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 1000 बार में जाएगा। तब 1000 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा ना दोस्तों। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2000 हो जाएगा। तो गाँव में मूलतः महिलाओं की आबादी क्या थी? 2000 थी। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग को थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो पर नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। जैसे ही छत्तीसगढ़ से पटवारी संबंधित या फूड इंस्पेक्टर संबंधित जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही उसका इंफॉर्मेशन आएगा, तो आप लोग को मैं बता दूँगा कि यह पोस्ट आ चुका है ऐसा करके। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। अगर पटवारी और फूड इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। अभी 1 महीने का फ्री क्लास चल रहा है व्यापम संबंधित, इसलिए धन्यवाद।